फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है दी अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। मैं तनु शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल फर्स्ट बाइट में। मेरठ के शास्त्री नगर में करीब 2.5 करोड़ रुपए के प्लॉट पर कब्जे के प्रयास का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। सम्राट स्वीट्स के मालिक द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि धनराशि की मांग पूरी न होने पर पूर्व पार्षद समेत अन्य कुछ लोगों द्वारा धार्मिक भावनाएं भड़काई जा रही हैं। इस पर आज इस प्रकरण से जुड़े भाजपा नेता सतीश गर्ग व पूर्व पार्षद वीरेंद्र शर्मा ने मीडिया के समक्ष अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सम्राट स्वीट्स के मालिक को यह जमीन खाली प्लॉट के रूप में बेची गई है और बैनामा भी खाली प्लॉट का कराया गया है, जबकि हकीकत इससे अलग है। मंदिर परिसर में बाकायदा एक मंदिर बना हुआ है जिसकी बुर्ज व छत तोड़ी जा चुकी है। ये साबित करता है कि योगेश सैनी व सम्राट स्वीट्स के मालिक समाज व प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं। इस जमीनी विवाद पर आज फिर एक प्रेस वार्ता रखी गई जिसमें हमारी सहयोगी शिवानी मांगवानी वहां पर मौजूद रही और वहां की जानकारी ली। तो आइए आपको दिखाते हैं क्या बता रहे हैं पूर्व पार्षद सतीश गर्ग। उन्होंने जो मुख्य आरोप लगाया है हम लोगों पे कि ये हम पैसा लेना चाहते हैं उनसे, पैसे का मुख्य आरोप लगाया है कि हम उनसे पैसे लेने के लिए दबाव बना रहे हैं, इसलिए हमें पीसी की जरूरत पड़ी। और रही बैनामे की बात, वो बैनामा जो उनका है, उनको बैनामा देखें आप, वो प्लॉट में बैनामा करा रहे हैं, जबकि मौके पर आप देखिए यहाँ पे मौके पर मंदिर है, वो फर्जी बैनामा है। और वो कहते हैं कि हमने योगेश सैनी से खरीदा था, उस पर भी उनने भी प्लॉट खरीदा हुआ, उस पर भी बैनामा प्लॉट का है। जो वसीयत बता रहा है वो कोई वसीयत नहीं है। स्थानीय लोगों ने हमें यहाँ शपथ पत्र दे रखे हैं कि हम लोग यहाँ पूजा करने आते थे, वो कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी लोगों ने जो है हमें शपथ पत्र दिए हैं कि हम लोग यहाँ 20 साल से 10 साल से पूजा कर रहे हैं, वो पूजा करते थे, हमारा कहना है कि पूजा ये 50 साल पुराना मंदिर है, लोग यहाँ शादियाँ हुई हैं, लोगों ने रुद्राभिषेक हवन वगैरह तेल वगैरह सब यहाँ कराई हैं। तो ये आप लोग क्या मांगे जिस तरह का जो विवाह, हमारी ये मांग ये है कि ये जिस स्थिति में मंदिर था, प्रशासन से ही मांग है कि उसी स्थिति में मंदिर दोबारा वो बनाया जाए। मूर्तियां जो चोरी गायब करी हैं वो मूर्तियां इन सम्राट वालों से उन्हें मंगाई जाए और अगर दोषी हैं तो जेल भेजे जाएं। तो अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल फर्स्ट बाइट के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।